आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट में, सॉरी एग्जांपल की स्टेटमेंट में फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस 20 न्यूटन फोर्स इन ऑफ अ मास 8 केजी, यानी कि उसने आपको मास दिया हुआ 8 केजी, फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन, आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, आपने एफ की वैल्यू पुट की, मास की वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन ऐसे रहने दें 8 केजी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन के नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 20 को 8 पर मल्टी डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में आपने उसका रिजल्ट लिखना इन सेंटेंस, ये नहीं भूलना आप लोगों ने, और अच्छी पैटर्न में आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जैसे मैंने आपको बताया था। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए 3.2, उसने यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 5 केजी, एक बॉडी पर फोर्स लग रही है और उस बॉडी का मास कितना है 5 केजी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने कहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ अ मास 8 केजी। अब बेटा देखिए पहले इस न्यूमेरिकल में दो सिचुएशन है, पहले वो 5 केजी पर 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो क्या कह रहा है मास अब आपकी बॉडी का ज़्यादा हो गया 8 केजी, वो पूछ रहा है अब इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और कितनी फोर्स लगेगी जो पहली वाली सिचुएशन में लगी थी। इसका मतलब हमने पहली वाली सिचुएशन से फोर्स निकाल लिया, दो मैसेज है M1 M2, सारी बात है मैसेज चेंज होता है एक्सेलरेशन भी चेंज होंगे, A1 हमारे पास है A2 हमारे पास नहीं है। अब आपके पास पहली फोर्स जो मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स दोनों में सेम होंगी तो आपने F1 ही लिखना सिंपली, इसको भी F इज इक्वल टू M1 A1 और ये भी F इज इक्वल टू M2 A2। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल करने M1 A1 M2 A2 को भी एक दूसरे का इक्वेट कर दिया हमने, अब इन वैल्यूज पुट की तो A2 को यहीं पर रहने दें, ये 8 केजी यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ स्क्रीन से जाकर डिवाइड हो जाएगा, आप उसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्लियर? थर्ड आपके पास न्यूमेरिकल है, यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने कहा एक साइक्लिस्ट है, उसका जो मास है वो 40 केजी है, क्लियर, और वो कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है 200 न्यूटन की, क्लियर, और वो कितनी एक्सेलरेशन से बाइसिकल चला रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। उसने कहा हाउ मच इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। अब जारी बात है आप जब दो सर्फेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आई है, मतलब साइकिल का जो टायर है और जो रोड है उनके दरमियान फ्रिक्शन होगी, वो फ्रिक्शन आपने बतानी है। अब बेटा यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली आपने फोर्स ही बतानी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्रिक्शन एक फोर्स ही होती है। सो आपके पास फार्मूला सिंपली एफ इज इक्वल टू एम ए है नेट फोर्स का न्यूटन के थर्ड सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब आपने एम और ए जो एक्सेलरेशन है आपके पास बाइसिकल का और वो जो बच्चा उस पर बैठा हुआ है 40 केजी का, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये फोर्स निकली है 120 न्यूटन। नेट फोर्स आपके पास इक्वल है अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जितनी आपके पास फोर्स लग रही है, देखिए दो फोर्स लग रही है, एक वो फोर्स है जो कि बच्चा अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन की फोर्स, क्लियर, और एक वो फोर्स है जो कि फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अभी दो फोर्सेस जो हैं इन दोनों फोर्सेस को आपस में आप क्या करोगे माइनस करोगे तो नेट फोर्स निकल आती है। हमारे पास जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एब्सेंट है इसलिए हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ माइनस हो जाएगी, वन जगह प्लस हो जाएगी 120, यहाँ प्लस हो रहा है वन जगह माइनस हो जाएगा 200 में से 120 माइनस किया 80 न्यूटन आ गया, दिस इज़ द फोर्स, क्लियर। ये आपने सारे तीनों न्यूमेरिकल तरह से करने हैं और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी बहुत तरह से करना है।